आज मैं आपको ये प्लास्टिक सैक के ऊपर ये बॉर्डर डिजाइन करके दिखाऊंगी। देखिए मैं एक लाइन कर चुकी हूँ, अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। देखिए ये ऊन दिखने वाला ये 6 बॉक्स लेना है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 घर से इसको एक 4 घर एक स्किप करना है 1 2 3 4। देखिए फिर यहाँ से इस लाइन को देख के यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 2 घर 2 लाइन स्किप 1 2, फिर 3 लाइन पे ए मैंने फिर से 6 बॉक्स 1 2 3 4 5 6। एक ही तरह फिर से 1 2 3 4 5 6 7 इस बॉक्स पे। अब देखिए 1 2 3 बॉक्स स्किप करके ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से 2 लाइन स्किप 1 2 करके ठीक यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 बॉक्स ही है, फिर से ऐसे। मैं यह मल्टी कलर यूज किया, आप चाहे तो 2 कलर पे भी कर सकते हैं। फिर देखिए मैं रेड कलर लिया। अब ये बॉक्स एक कम हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ से ये लाइन स्किप करके यहाँ से एक लाइन स्किप, एक लाइन छोड़ के यहाँ से ऐसे। फिर एक लाइन छोड़ के ऐसे। अब देखिए मैं येलो कलर से कैसे करती हूँ। एक ही तरह जैसे रेड और ग्रीन किया ऐसे ही येलो को भी करना है। इसके बाद ऐसे करके फिर से और 3 लाइन करना है। देखिए यहाँ पे मैंने और 3 लाइन किया है 1 2 3, 1 2 3 किया, अब 1 2 3 और 3 लाइन करना है। करते करते देखिए फिर से आखिरी राउंड में ये ऊल दिखने वाला 1 बॉक्स होगा। देखिए मैंने एंड देखिए मेरा ये आखिरी राउंड हो गया ग्रीन से मैंने किया। ये देखिए ग्रीन से ये 2 भागों में करना है। मैं तो एक भाग कर चुकी हूँ और फिर एक ही तरह दूसरा भाग करना है, फिर ये फ्लावर इसके मिडिल में करना है। देखिए ये अब मैं इसका दूसरा भाग करूँगी, ये जैसे ए किया ऐसे ही करना है। दोनों दिख का ये पोर्शन मैं कर चुकी हूँ, दिखने में ऐसा लगेगा। अब देखिए मैं ये अंडर का फ्लावर कैसे करती हूँ। यहाँ से लेके
ये जो मिडिल है यहाँ से ऐसे ये फ्लावर मैंने आपको और भी कई बार दिखा चुकी हूँ, ऐसे ही करते रहना। फिर जैसे किया ऐसे भी यहाँ पर करना है। मैं ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए ये दिखने में ऐसे ही लगेगा। आप चाहिए तो बॉर्डर लाइन भी कर सकती है, पूरा भी कर सकती है। मेरा ये स्टिच आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।